अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स हमें दिया है और मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एक्स वाई जेड के लिए हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम रो पे ऑपरेशन लगाएंगे कि आर थ्री पे ऑपरेशन लगेगा हमारा, आर थ्री माइनस आर वन, और आर थ्री पे ही हम एक आर टू पे ऑपरेशन लगाएंगे, आर टू माइनस आर वन। तो ये करने के बाद क्या हो जाएगा, आर थ्री माइनस आर वन करेंगे तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, आर थ्री माइनस आर वन करेंगे तो यहाँ पे y प्लस जेड माइनस दिस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स। और फिर जब आर वन पे आर टू पे हम लगाएंगे आर टू माइनस आर वन, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस जेड, और इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, आर थ्री इस यहाँ पे आर थ्री माइनस आर वन, तो यहाँ पे नाइन माइनस थर्टीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फोर। आर टू पे आर टू माइनस आर वन, तो सेवन माइनस थर्टीन, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, और यहाँ पे ऊपर हमारा थर्टीन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमें क्या लगाना है, आर वन पे हम लगाएंगे ऑपरेशन, आर वन पे लगेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो इसको लगाने के बाद हमारा ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों इसके साथ जब ऐड होंगे तो यहाँ पे बचेगा जेड, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे माइनस एक्स, और यहाँ पे 13, इसके साथ ये दोनों ऐड होंगे तो ऊपर बचेगा 3, यहाँ माइनस सिक्स और माइनस फोर। तो इसका मतलब हुआ हमारा आंसर हो जाएगा जेड इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 6 और माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 6 एंड z इक्वल्स टू 3। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel so that you can get the notifications about the future videos.